सार्जन डीजे दोस्तों, थोड़ा मामला गंभीर है। मामला ऐसा है कि ये दूसरा अजूबा कसम से सांप जैसा देखना बड़ा है। ठीक है, बस। तो इधर से दोस्तों देख सकते हैं आग लग चुका है और ये मछली को पकाया जा रहा है। पकड़ के भी। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक हमारे न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है और इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप लोग भी सोचते होंगे दोस्तों ये डीजे रिलेटेड तो नहीं है, बट ऐसे ही एक तो फ्री टाइम पे अभी हम लोग आए मछली पकड़ने के लिए। कभी तो आते नहीं है और 7-8 साल बाद आए हैं। और उधर से देख सकते कुछ कुछ बंदे आए हैं जो कि मछली पकड़ने के लिए, तो गांव का ही है, सब भाई लोग हैं। तो ये लोग आ रहे थे तो फ्री टाइम पे हम भी थे, तो बोले ये लोग बोलने लगे कि चलो, तो हम भी चले आए। अभी ऐसे एक नॉर्मल सा वीडियो है दोस्तों, अभी तो कोई डीजे रिलेटेड नहीं है। एंजॉय हम लोग दिखाते हैं आप लोग को कि हम लोग फ्री टाइम पे क्या करते हैं क्या नहीं करते, ऐसे में तो कभी आते नहीं। इस ब्लॉग में देखते हैं हम लोग का मछली उछली लगता है कि नहीं। एंड हम लोग का देख सकते हैं सामने पे ही है दामोदर नदी जो कि बहुत बड़ा है। हम लोग पूरा कोशिश करने वाले हैं मछली पकड़ने का, बाकी नॉलेज तो है नहीं ऐसे मछली पकड़ने का। और भाई लोग, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कमेंट ना करें कि डीजे रिलेटेड छोड़ के अभी हम मछली वाला वीडियो डाल रहे हैं, ब्लॉग टाइप का डाल रहे हैं। ऐसे एक फ्री टाइम पे थे तो डाल दे रहे हैं। और बाकी चलिए आप लोग बने रहिए एंड देखते दोस्तों ब्लॉग में। चलिए वीडियो कहीं से शुरू करते हैं। और बाकी हम तो शुरू घर से स्टार्ट नहीं किए हैं, नदी आने के बाद ही डिसाइड किए हैं कि चलो एक तो ब्लॉग बना लेते हैं मछली पकड़ने के लिए। कि मछली खाने का जितना शौक नहीं, उससे ज़्यादा पकड़ने का शौक है। तो मछली हम पकड़ते हैं एंड आप लोग को भी दिखाते हैं मछली लगता है कि नहीं। एंड चलिए दोस्तों आप लोग बने रहिए। और हम लोग का नदी में थोड़ा सा अभी पानी का थोड़ा सा कमी हो गया। पहले हम लोग को देख सकते हैं वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ तक पहले पानी मतलब पहुंच जाता था, और अभी वैसा पानी नहीं मिल रहा हम लोग को नदी में। बट कोई ना, हम लोग का नहाने के लायक है नदी में अभी पानी, बट पूरा कचरा है नदी तो में अभी हो गया है। और काफ़ी सारा आदमी यहाँ पर मछली वछली पकड़ते हैं। कितना छोटा छोटा मछली है देख सकते हैं, कितना सारा मछली है। बट हम लोग इतना छोटा छोटा मछली नहीं पकड़ने वाले हैं, हम लोग बड़ा बड़ा मछली पकड़ने वाले हैं। एक तो दू लगा वाला जाल है, जाल तो लेके आए हैं। चलिए नदी के बीच में जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ से हम लोग का जाल जो है यहाँ से बांध दिया गया, और यही वाला जाल से पूरा एकदम जो पूरा एरिया है दोस्तों, ये पूरा एरिया को पूरा कवर किया जाएगा अभी। कितना साल बाद आ रहा नदी नहाने के लिए? बहुत दिन के बाद। ऑटो में क्या लग रहा मछली? क्या लग रहा है मछली लगेगा? हाँ पक्का पक्का। कितना लगेगा लगभग? 10 किलो। ये देखो मेरा नाला, देखो मेरा नाला खुल गया। ये ला जो नदी है दोस्तों, ये ला नदी में पूरा इतना ही पानी है। आगे में अगर जाइएगा तो आगे में बहुत ही ज्यादा मतलब डुबान वाला पानी है। इसमें इतना ही पानी देख सकते हैं, इतना जितना हम लोग चल रहे हैं उतना ही पानी है। बाकी उस जगह पे थोड़ा डुबान वाला पानी है उस जगह पे। काफ़ी हम लोग सालों बाद आए और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं नदी में। घर में किसी को भी नहीं बताया कि हम लोग मछली पकड़ने के लिए आए हैं, खासकर हम नहीं बताए। अगर हम बताते तो हमको आने भी नहीं देते ये लोग। ये देख सकते कितना मस्त लग रहा है देखने में। इसको रुकिए अंदर से दिखाते हैं। बाकी शायद से आप लोग को पानी के अंदर लेके जाने के बाद आप लोग को शायद थोड़ा बहुत कचरा दिखता होगा। अंदर कुछ दिखा रहा है, बोलिए सर क्या है? क्या है ये सर? है हरा पत्थर। है हरा पत्थर? हाँ सर। इसे क्या होता है? 2 रुपया दाम है इसका। एक करोड़ में कई जीरो लगता है सर? ये तो मालूम नहीं सर। तो मैं बसंत पकड़ रखा हूँ, मैं जा रहा हूँ बसंत के पास। बसंत बुला रहा है। कैसा लग रहा है हम लोग के नदी में? आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। नदी तो क्या नहीं है, नदी आया है।
पूरा ही नहीं कर रहा है तालाब, खाली बांधे ही नहीं नजर आता है। अब बांध दो अभी भूत ये भूत बांध के मार नदी पार। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कंपटीशन चल रहा है, जो कि ये डीजे का नहीं होने वाला है, पत्थर का होने वाला है। तो फेंक के दिखाए दोस्त कितना दूर जाने वाला आपका पत्थर। नहीं नहीं पानी में गिर गया इसका, पानी में गिर गया, पानी में किधर गया रे। ये देखो मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये देखो यहीं पर गिरा है। ये इसका दोस्तों हेलमेट है। ये देखिए आज इसका बर्थडे है। ये लाला जी, ये लाला उर 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 लेके जा रहे हैं केक, लेके जा रहे हैं केक। केक तो काटो, केक तो काटो, केक तो काटो। दूसरा ये दूसरा जुबा दूसरा ही लोग सब हम लोग नदी में बहुत मिलता है। फंगा भांग भांग टूटता है, फूटता है। आवाज आया, आवाज आया, आवाज आया। और दोस्तों हम लोग इधर काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिए, और हम लोग का भी जो जाल बिछाए हैं हम लोग बोला जाल को अब उठाने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा घाट उठ लेगा ये लोग, उसके बाद जाल को उठाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं मछली उछली लगता है कि नहीं, हम तो उधर मछली को फंसाए नहीं है, जो है सब रियल है। और बीच में पानी देख सकते कितना है, एक बित्ता पानी है। चलो आप जाल उठाएंगे चलो। और दोस्तों इधर से हम लोग मछली उछली पकड़ने के बाद हम लोग का जो 5-15 वाला सेटअप है, जितना भी स्पीकर है सारा स्पीकर पूरा ढीला हो गया। मतलब हम लोग एक्सीडेंट होने के बाद एक बार जो टाइट हुआ है उसके बाद एक बार भी खोला नहीं गया है। तो काफ़ी महीनों बाद आज हम लोग का स्पीकर खुलाएगा, अब पूरा फिटिंग होगा, अब पूरा टाइट भी होने वाला है। तो सब दिखाएंगे एंड टेस्टिंग भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए अभी इधर वाला जो अभी मछली पकड़ने वाला जो कार्यक्रम है वो मछली पकड़ने वाला कार्यक्रम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इधर से एक तो देख रहा है, देख सकते हैं कितना बड़ा लगा है भाई, सांप कसम से सांप जैसा, देख ही सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है। काफी ज्यादा बड़ा है यार, इसको छोड़ देते हैं, कहने और भी जगह पे फंसा हुआ होगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पर एक ही पीस लगा, मतलब एक ही को लगा हुआ है, और सांप नहीं है, मछली है, मछली है। हाँ उठा उठा उठा, वो देख सकते हैं वो भी लड़का तो पकड़ रहा है। और उधर अरे हाँ कौन मछली, अब करण मछली नहीं है, तो सांप वाला मछली है। और उधर से वो लड़का तो गया है, वो पूरा मछली सबका पूरा एकदम मतलब धक्का लोकल के सबको लेके इधर आने वाला है। चलो चलो ठीक बोल रहा है, चलो 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 सबको हम लोग घाटते हैं चलो। और उधर से हम लोग को पूरा धकल के सब मछली सबको लाना पड़ेगा, उधर से उस लोग को मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो उधर से। पूरा खुश हो गया दोस्तों, एक तो मछली लगा है फिलहाल, अभी तो फिलहाल एक ही को लगा, देखे हम एक ही को देखे, हो सकता है इसका अंदर में भी होगा, बट चलिए देखते हैं लगा होगा कि नहीं। उधर वाला जितना भी हम लोग का दल उल है सबको पत्थर वत्तल मार के पूरा घाट उठ के लेके आना पड़ेगा, और इधर में जितना भी मछली अंदर में है सबको फंसाना पड़ेगा। चलो सब लड़का लोग का जोश जाग गया है कि देखिए कितना ज्यादा कष्ट करके मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन भाई सच बता रहे हैं, पकड़ने में जो मजा है ना वो अलग ही खुशी मिलता है। केला जो पेड़ दिख रहा है देखिए, इसको छुएंगे तो देखिए कैसा होगा। इसको आप लोग क्या बोलते हैं एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये लजा गया समझे, जो पौधा तो है ना पूरा लजा पका हुआ, इसको तो डंटा चाहिए, डंटा के जगह क्या मिला, झाड़ू पानी में पानी में झाड़ू मारेगा। और काफ़ी सारा लड़का आ गया, सब जितना भी सब हम ही लोग एक ही साथ आए हैं, वो लोग हालांकि पीछे से आया है। चलिए हम उधर जाते हैं उस पर, जैसा मछली हम सोच रहे थे वैसा तो मछली लगा नहीं है फिलहाल। हमको मन तो मेरा अजीब चल रहा है, मछली का ब्लॉग बना रहे हैं, कोई ना चलिए इसमें आप लोग को अटैच कर देंगे डीजे वाला भी। और उधर से देख सकते हैं किस तरह से जाल को उठाया जा रहा है, चलिए आप लोगों को सामने से दिखाते हैं।
काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता भाई ये लड़का तो मछली पकड़ने में, और इसका नॉलेज भी बहुत अच्छा खासा है। बचपन से पढ़ाई लिखा तो किया नहीं, बचपन से यही काम है इसका। इसको एक तो कोई तालाब दे दीजिए, पूरा तालाब का मछली उठा के दिखा देगा आपको। क्या लग रहा है सर, आपको लगेगा मछली इसमें? हाँ लगेगा, लगेगा। चलिए ये भैया हमको हौसला दे रहे कि मछली लगेगा, और उसका साला जी वहाँ पर ही, और उसका जीजा जी यहाँ पर ही। चलिए फटाफट से जाल को उठाने दीजिए दोस्तों, उसके बाद आगे ऊपर में दिखाते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, फाइटिंग चल रहा है गाइस। अब इसके हौसले गाइस। और जाल को उठा के लेके आया जा रहा है, देख सकते हैं मछली। ये लोग बोल रहा है कि एक ही पीस लगा है। और आज दो मछली पकड़ा गया बहुत मछली। क्या क्या क्या? एक दिन एक मछली पकड़ा गया बहुत है, कभी गली का पकड़ का हिस्सा नहीं है। ठीक बोल रहा है, लेकिन एक मछली पकड़ा लेकिन साफ वाला मछली पकड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं, साफ रहो हम आश्रो मछली तो कभी नहीं। मार नहीं, पहले निकाल नहीं यार। ठीक है, कटा है, मार तो भक्त कटा। भाई देख सकते कितना बेरहमी। बस बे ए मत मार बे 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 बाग से ले कौन मानुस लाए भाई खेलवाए देले पता अभी था कोनो पता है ना किसे बहुत बड़ा माछ वाला खोल के देखा ना एटा खोल के देखा तोरा मान जीवो अबे पूरा मारा देले भाग यार पानी तो में छोड़ते इसको इतना कष्ट किया पानी छोड़ने के लिए अरे अब से खोल दे हेलो गाइस ये मछली तो किस्मत खराब था क्या ये बोले तो देखने दो तुम भाई इसको पूरा मार दिया यार मर गया पूरा। अभी लड़कों से पूछ रहे हैं बाबू भाई तुम जब भी बोल रहे थे बहुत सारा लगेगा एक ही को लगा मछली था भाग गया जाल ऊपर हो गया हाँ जाल ऊपर हो गया था मछली था भाग गया कहाँ लगा अरे अरे क्या कर रहा था बाबू अब उतरो क्या कर रहा था पानी पी रहा ना क्या कर रहा पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है एक्सरसाइज कर रहा लगता है देख ले हम लोग देख ही लिए मछली पकड़ने वाला लड़के के पास कितना ज्यादा दम होता है हम अंदर घुसेंगे तो हम तुरंत मर जाएंगे मछली डोका देख सकते हैं पूरा आदिवासी वाला स्टाइल में इसको फांदा में बांध दिया है क्या करना है इसको अभी रे सपना ए माचिस तो कब है माचिस तो अरे ये मिल गया माचिस अब इसको पकाएगा और खाएगा कहाँ खाएगा यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी पहले भी कोई जला चुका है चलो झिझक के जलाइए बहुत माचिस है गाइस आराम से जल जाएगा आग जलाने के लोग का तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग का आग लग चुका है जहाँ पे हम लगाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा आग लगाने वाला जुगाड़ नहीं है और भी लकड़ी चाहिए उधर 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 तो इधर से दोस्तों देख सकते हैं आग लग चुका है और ये मछली को पकाया जा रहा है ये मछली बहुत ही ज़्यादा बड़ा है किस तरह से इस बच्चा ठोको बेरहमी से मारा गया है इस सब का पाप सब सतीश भोगेगा वही पकड़ा है क्या लग रहा है आज पकेगा सर नमक का व्यवस्था कीजिए नमक नहीं ऐसे ही खाया जाता है इसको अरे अच्छा खासा आग जल गया है अरे ये मछली भी पक ही आया है ना सिर्फ मुंडी बाकी है पर पक गया ना थोड़ा सा बाकी है लेकिन हम नहीं खाएंगे भाई तुम लोग खाना ऐसा मछली हम नहीं खा पाएंगे बहुत बेरहमी से इसको मारा गया है यार लेकिन कोई गलत कमेंट मत करना मछली हालांकि सब कोई खाता है कि नहीं यार की पको यहाँ पर नहीं मिलेगा तुमको घर जा तुम कहाँ जाएंगे घर जाओ घर कहाँ ये हम लोग पकड़े का किसको किसको देगा
हम लोग का ग्रुप का ही आदमी यार भागता है नहीं मिलेगा। इधर देख रहे हो मछली का कितना अभी पक गया है। मछली दा कर पाटन दा ये चाम पकड़ा अंदर में कहां पका अंदर वाला वाइटे रहेगा इसमें जल्दी थोड़ा पकता है पक गया है और ये मछली पूरा पक के रेडी हो गया है। चलिए चल रहा ये परसवानिया का मानुष तो देख रहे कितना फॉर्म में है। पानी में भी जाएगा क्या नॉट बर्दाश्त इन लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा देख रहे कैसे पका रहे दोस्त पक गया हम खा रहे कैसा लग रहा है भाई के का खाए मुरुक कहीं के काकलटा ही बढ़िया रहेगा कब स्कूल गला था कल करा खाइए सर खाइए कैसा लग रहा है अरे मछली को धोवा जा रहा है खाने के बाद पूरा खा लिया और अभी धो रहा है क्या धो रहे थोड़ा बताइएगा तब ना चमड़ी खा वैसे जैसे पकड़ के जो तो ले ले रोहित चल तो फाइनल दोस्तों ये लोग खा पी के एकदम रेडी हो चुका है। जितना भी मछली का हड्डी उड्डी छोड़ा ये सब छोटा छोटा मछली सब खा रहा है। कैसा लगा एक बार बताओ। बहुत मजा आया बहुत मजा बहुत मजा। बाकी दोस्तों ये लोग तो खा लिया पूरा पूरा पेट भर के ये लोग एक मछली का तीनों जन खाया है। हमको बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा लगा ना तो एंड चले दोस्तों वीडियो को यहीं पर नदी वाला सीन खत्म करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग जाते हैं स्पीकर सब जो भी है बॉक्स का वो सब टाइट वाइट करते हैं नहाते धोते हैं उसके बाद निकलते हैं इस जगह से। तो फाइनल दोस्तों आज दूसरा दिन है। कल क्रिकेट में हम लोग नहीं कर पाए नदी से आने के बाद आज हम लोग के पास टाइम मिला क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा मतलब शाम हो गया था इसी की वजह से नहीं कर पाए थे। तो आज है और आज ही हम लोग करने वाले हैं। तो इधर से देख सकते हैं त्रिपाल सबको बिछाया जा रहा है जो कि इसके ऊपर में सब कोई नट टूट स्पीकर जो भी है सबको खोल के इसके ऊपर रखा जाएगा जो बॉक्स भी है इसके ऊपर ही रखा जाएगा ठीक है। तो चलिए 5-15 वाला जो बॉक्स है वो सबको निकाला जाएगा अभी देख सकते हैं। इधर सुविधा बनाया जा रहा है वो देखिए उधर से और इसका चेक भी करने वाले कौन कौन से स्पीकर कटा है कौन कौन सा सही है कौन कौन सा नहीं। हमको नहीं लग रहा कि ये ला इसमें ये ला जो स्पीकर मतलब ये ला जो बॉक्स है इसमें थोड़ा कम वाटेज रहने वाला है। तो हमको नहीं लग रहा कि ये ला स्पीकर मतलब इसके अंदर में जो स्पीकर है ये ला हमको नहीं लग रहा कि बचा होगा क्योंकि बहुत दिन से चल रहा है कट ही गया होगा उतना दिन से 3 ही बज रहा था। आज पता चलेगा कई को बज रहा था कई को नहीं। बाकी ये ला तो सिर्फ 4 नंबर वाला है जो कम वाटेज है बाकी ये 3 1200 वाला है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं उसके बाद आगे दिखाते हैं। और ये पहला बॉक्स आ चुका है अब इसको देखते हैं खोल के इसका कंडीशन क्या है। चलिए स्पीकर सब पूरा ढीला हो गया पूरा मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर घसका रहे तो पूरा आवाज़ कर रहा है स्पीकर सब। तो दोस्तों काम चालू हो चुका है और इधर से कैबिनेट के जो नट है जाली वाला उसको खोला जा रहा है। लगभग ज़्यादा नट नहीं है इधर वाला तो खोल ही दिया लगभग। चलो अरे ये स्पीकर सबका कुछ हो लिया कुछ इस तरह का हो गया है। इनमें से सब जितना भी स्पीकर है सिर्फ ये ला 1200 वाट का है बाकी सब कम दामी है। चलिए सब पहले चेक एक बार कर लो एक बार मशीन निकाल के इसको कौन कौन सा बज रहा है कौन कौन सा नहीं। एक ही को बज रहा है
भाई उस दिन सुन रहे थे डीजे भाई ये स्पीकर का नट ही नहीं और ऐसे इतना दिन से सट करा गया, बज तो नहीं रहा है, सट करा गया ऐसे ही। भाई इसमें चमत्कार हो गया यार, एक ही को स्पीकर सिर्फ नहीं बज रहा है, चारों बज रहा है। इसके मैटर में आप कुछ बोलना चाहते हैं? अब खुश है ना, निराश है? हैं बच गया इसके स्पीकर, बच गया। दोस्तों एक हो गया और एक बॉक्स अभी बाकी है, इसको भी अभी खोलने वाले हैं। ये पूरा कंप्लीटेड 1200 वाट वाला स्पीकर है और अभी तक आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं दोस्तों, तुरंत आप लोग देख ले रहे हैं, लेकिन एक एक करके ये सबको खोल के एक करके फिटिंग करना पड़ रहा है। आप लोग लगता होगा वीडियो छोटा, लेकिन बहुत मेहनत है इसके पीछे में। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको अभी बैठा के रख के हम लोग रखे हैं हमारे, हाँ बहुत सुकून मिल रहा है ना। बात ऐसा है कि दोस्त हमारे डीजे माई का ओनर ने एसी लगा लिया है और ये हम लोग को लेके आया है कुछ खिलाने के लिए, देखते हैं क्या खिलाते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। ये टेबल यहाँ पर ही है, अब यहाँ रहा उधर से आएगा उधर से, और दीपक ला के दिया, देख सकते चाउमीन बना के दिया है जो कि घर में बनाया है, अभी खाएगा पूरा गर्दा गोल का है? खाने के लिए तो हाईवे किया है। बात ऐसा है ना, चाउमीन तो आ गया है, इन चाउमीन में नमक का कमी था तो नमक भी आ गया है। धन्यवाद सर खिलाने के लिए, शुक्रिया। तो दोस्तों थोड़ा मामला गंभीर है, मामला ऐसा है कि इसका घर में एसी लगा हुआ था, अब वो एसी वाला रूम तो मैं आधा घंटा रहे, अब नीचे आए तो बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। चलिए सफर भी करते हैं। देखिए अकाउंट में डीजे का कितना क्रेज, देखिए सार्जन डीजे। और उधर से दोस्तों दो गो हो गया है और तीसरा नंबर वाला ये वाला और चौथा नंबर वाला अभी उधर ही है, तो ये लास्ट वाला दोनों को ये ला इसको और उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अगर टाइम मिल पाता है तो आप लोगों को टेस्टिंग भी दिखाएंगे चारों पे एक साथ मिला के, बाकी देखिए क्या होता है ब्लॉग में। चलिए आप लोग बने रहिए। स्पीकर सब देखिएगा ढीला हो गया है क्या, बजेगा तभी आप लोगों को पता चल जाएगा, बाकी जो फोकस कर पाएगा अच्छा से गौर से सुनेगा उसी का पता चलेगा। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग का कैबिनेट का स्पीकर सब ढीला हो गया है क्या। बाकी हम लोग तो भाई हर मंथ करते हैं, ढीला हो ही जाता है भाई, पूरा प्रेशर से पूरा बेस से बजते हैं इसी कारण से, क्योंकि हम लोग पूरा रफ वाला बजाते हैं। अभी कुछ दिन से नहीं बज रहा है क्योंकि स्पीकर सब ढीला हो जाने के कारण से, अभी सब जितना भी सब टाइट होने के बाद फिर से नेक्स्ट काम जो हम लोग को होने वाला है उसे पूरा झाड़ के बजाने वाले हैं। अगर अभी टेस्टिंग होगा तो अभी पूरा झाड़ के बजाएंगे, अगर अभी नहीं होगा तो फिर दूसरा दिन देखा जाएगा। पर ये जाली सब भी उल्टा उल्टा लग गया था, जल्दी जल्दी में हम लोग सेटअप रेडी कर रहे थे। हाँ ढीला है, दो गो बॉक्स बज रहा है, दो गो।
लाइनें कट गई हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा रात हो गया है और रात रात में हम लोग का काम चल रहा है। सर हम लोग का मेन बात काम है समझे, इसीलिए हम लोग को जल्दी जल्दी रेडी करना पड़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। कल परसों दो दिन काम है, उधर से तीनों बॉक्स कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर सब हो गया दोस्तों और कुछ नहीं है, ठीक है। कल यहाँ पर एक कॉमेडी वाला सीन चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बाकी सब जितना भी बॉक्स है सब पूरा रेडी हो गया है। तो फाइनली दोस्तों पूरा बॉक्स अब उधर देख सकते हैं, त्रिपाल वाला मार के भी सेपरेट कर दिए हैं, पूरा काम अभी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और कल परसों हम लोग का दो दिन काम है अभी, ठीक है, प्रोग्राम वाला काम है, फ्लोट डीजे एक प्रोग्राम वाला काम है। तो अभी स्पीकर से सब पूरा फिटिंग कर दिया, टेस्टिंग तो कर नहीं पाए दोस्तों, इसके लिए सॉरी, क्योंकि देख सकते हैं पूरा रात हो गया है, इसी वजह से नहीं कर पाए। और अभी अभी तुरंत हम लोग का काम खत्म हुआ है और कल हम लोग को निकलना भी पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और क्या ही बोले, ये लड़का लोग छोड़ना भी जाना पड़ेगा। चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।